ये किस्सा लगभग 60 साल पुराना होगा। मेरी माँ का मायके इस जगह से थोड़ी दूर पर था। कहा जाता है कि एक डायन बच्चों पर जादू करके उनकी आत्मा को वश में कर लेती थी। वहां सभी उसे मंदिरा डायन कहते थे, लेकिन वास्तव में किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। यह ऐसा था जैसे वो सिर्फ बच्चों को ही दिखती थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे भी बीमार हो जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। एक बार मेरी माँ और उसका छोटा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वो बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई तो मेरी दादी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी दादी बासी रोटी ले आई और वो बुढ़िया बासी रोटी लेकर चली गई। शाम होने से ठीक पहले मामा जी सोने चले गए। तेज बुखार के साथ उन्हें छींक आने लगी। कई दिन बीत गए पर मामा का बुखार कम होने का कोई नाम नहीं था। दिन ब दिन बीत रहे थे और मामा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख दादी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मामा पर किसी भी दवा का असर ही नहीं हो रहा था और दादी के आंसू दिन ब दिन बहते रहे। अब इन सब के बाद उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। जब वो घर आया तो उसने मामा के माथे पर हाथ रखा और कहने लगा, उसने इस बच्चे की आत्मा को जीत लिया है, इसकी मृत्यु अटल है। तांत्रिक की बात सुनकर मेरी दादी मौके पर ही गिर पड़ी। तभी दादा ने उनसे कहा, कुछ उपाय करो बाबा, हम अपने कलेजे के टुकड़े को उस डायन को नहीं दे सकते। हमारे बच्चे को उस डायन के चंगुल से बचाओ बाबा। तांत्रिक ने कहा, ये कोई आम डायन नहीं बल्कि मंदिरा डायन है। बाबा कुछ तो उपाय कीजिए, जो भी खर्चा लगे हम करने के लिए तैयार है। चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए बाबा, पर मेरे बच्चे को उस डायन से बचाइए। मैं उसकी मौत नहीं रोक सकता, लेकिन हम उसे वापस लाने का एक आखिरी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मौत की रात वो छोटे बच्चों का शव कब्र से बाहर निकालती है और उसमें प्राण डालकर उसे जिंदा करती है और फिर उसके प्राण वो अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने जैसे बताया वैसे ही मेरी मामा की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को स्थानीय रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेरे दादा, तांत्रिक और कुछ गांव के लोग वहां कब्रिस्तान में बैठे थे। हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा था। जैसे ही सुबह के 3 बज रहे थे, एक परछाई को अंधेरे कोने से गुजरते हुए देखा। परछाई आगे बढ़ी और बच्चे के पास रुक गई। हाथ के नुकीले पंजे मिट्टी खोदने लगे। हवा तूफान की तरह चली। देखते ही देखते उसने हाथ से कुछ फीट गड्ढा खोदा और लाश को बाहर निकाला और एक हाथ से कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। यह देख सभी गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें आते देख वो पल भर में गायब हो गई। भले ही भीड़ में वो डायन उनके हाथों से निकल गई हो, लेकिन उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि मेरे मामा उन्हें सुरक्षित मिल गए। कहा जाता है कि उसके बाद फिर कभी डायन नहीं देखी गई।